साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपकी गाय भैंस को अचानक से कभी भी आफर आ जाए, क्योंकि देखिए जब अचानक से आफर आता है तो उस समय हमारे पास इतना समय नहीं रहता पशु चिकित्सक के आने तक का कि हम उनका वेट करें, उससे पहले आप कुछ ऐसी चीज़ें दे करके और उसे चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। वही फॉर्मूला आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल देसी तरीका है। दवाएं हमने बहुत सी बताई है और भी बताते रहते हैं, हमारे रामावत जो वेट्स क्लब चैनल है उस पर दवाइयां लगातार हम बताते हैं, लेकिन देसी फॉर्मूला कौन सा है उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए देसी फॉर्मूला आप तुरंत इस्तेमाल कर लेंगे तो जितने में पशु चिकित्सक आएंगे उतने में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा और किसी भी सूरत में पशु की जान नहीं जाएगी। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसे इस्तेमाल करके आप चुटकियों में ठीक कर सकते हैं आफरे को, तो चलिए देखते हैं। देखो जो पहली चीज आपको लेनी है वो मैं लिख रहा हूं कोयला। नंबर वन पर मैंने आज लिया है कोयला। अब आप कहेंगे सर ये कोयला कौन सा लें, तो विशेष बात आप सुन लीजिए, कोयला चाहे कोई सा भी हो भाई, लकड़ी का कोयला मिलता है दी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट काम करता है लकड़ी का कोयला। तो लकड़ी का कोयला आप ले लीजिए, लकड़ी को जला करके भी बना सकते हैं, लकड़ी की पहले से बना हुआ मिलता है कोयला, हर घर में मिलता है तो आप यूज कीजिए कोयला। अगर ये नहीं मिल रहा है तो जो बाजरा जो मिलता है, या मान लीजिए मक्का जो है, मक्का बाजरा इनकी रोटी बना करके उसे जलाया जाता है, तो इसकी रोटी को जो बिल्कुल जला देते हैं तो उसका भी कोयला बन सकता है। यानी आपको इस्तेमाल करना है कोयला, चाहे कोई सा भी कोयला है आप ले लीजिए, और ये कोयला जितने किलो की हमारी भैंस है अंदाज से उससे आधी मात्रा ग्राम में हमें लेनी है। कैसे, जैसे 300 किलो की है तो आप 150 ग्राम ले लीजिए, ठीक है 150 ग्राम ले लीजिए, और अगर मान लीजिए कि साहब हमारी तो 500 किलो की है तो 250 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कोयले की मात्रा निर्धारण करना है, जितना वजन 100 किलो की 50 ग्राम, ठीक है। तो ये कोयला एक टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको दो बार में देनी है। देखो एक बार में आफरा कुछ कम होता है, दूसरी बार में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कैसे होगा, नंबर वन कोयला। अब ये जो कोयला है इसे आप दो तीन तरीकों से दे सकते हैं। नंबर वन, इस कोयले में आप काली जीरी मिलाइए, काली जीरी ये बहुत ही अच्छी रहती है, काली जीरी बहुत ही अच्छी रहती है आफरे में। तो काली जीरी को कूट करके पीस करके पाउडर बना लीजिए, हर घर में काली जीरी मिलती है मुझे पता है, आपको भी रखनी चाहिए अगर आपके घर में नहीं है। काली जीरी पशु के साथ साथ घर में आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बुजुर्ग भी कहते आए हैं और हमें भी इनकी तरफ चलना पड़ेगा। तो काली जीरी आप ले लीजिए 50 ग्राम। तो 50 ग्राम आपने काली जीरी ली, उसको पीस करके पाउडर बनाया, और 150 से 250 ग्राम तक आपने लिया कोयला और वो भी पीस करके पाउडर बना लिया। दोनों को पाउडर बना करके आप पानी में घोल करके दे सकते हैं। फॉर्मूला नंबर वन क्या आया कि आप पानी में घोल करके दे दें, ये बात है, पानी जितना भी पानी घोल सके उतना ले लीजिए। आप 500 ml ले सकते हैं या 1 लीटर ले सकते हैं घोल करके, और बोतल की मदद से आप पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि ये आपने दे दिया और आराम नहीं मिला, तो इस पानी की जगह आप सरसों का तेल और हींग मिला दीजिए, श्योरली आराम मिलना पड़ेगा। क्या मिलाएंगे, सरसों का तेल ये आप ले लीजिए 250 ग्राम के आसपास, 250 ml के आसपास आप सरसों का तेल ले लीजिए इस मिक्सअप में, ठीक है। बाकी आप पानी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिलाते समय ध्यान रखना, अगर तेल दिया है तो अगर आप पिला रहे हैं तो उस समय परेशानी हो सकती है, अगर खा सके तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तेल जब पिलाते हैं तो ड्रेंचिंग हो जाती है, उसका आप विशेष ध्यान रखना। ड्रेंचिंग होने से भी ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है। तो सरसों का तेल आप ले सकते हैं प्लस हींग आप ले सकते हैं मात्र 10 ग्राम। ये फॉर्मूला हम सेकेंड स्टेप में देंगे, और सेकेंड स्टेप में कोयले के साथ आपने जो काली जीरी लिए है इसे आप कट कर दीजिए,
यानी सेकंड टाइम में आपको काली जीरी नहीं देनी है, सेकंड टाइम में कोयले के साथ आपको सरसों का तेल और हींग देना है। श्योरली आराम मिल जाएगा। सेकंड डोज को 3 से 8 घंटे के बीच में आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आराम नहीं मिला, ज्यादा तकलीफ है, तो 3 से रिपीट कर दीजिए, अदरवाइज 8 घंटे से रिपीट कर दीजिए। किसी भी प्रकार का आप रहा होगा तुरंत ठीक हो जाएगा।